मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान कल 9 लोकसभा सीटों पर होगा। मतदान होगा मुरैना, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, गुना, ग्वालियर, भिंड, सागर, विदिशा लोकसभा के लिए होगा मतदान। गर्मी के चलते मतदान केंद्र पर बढ़िया व्यवस्था की गई है, मिनी आईसीयू की तरह व्यवस्था की गई है। सबसे ज्यादा प्रत्याशी भोपाल में है, सबसे कम प्रत्याशी भिंड में है। 1,77,52,583 कुल मतदाता है। 92,68,687 पुरुष मतदाता हैं। 84,83,105 महिला मतदाता, 491 थर्ड जेंडर मतदाता, 88,106 85 साल के ऊपर के मतदाता, 18,400 साल से ऊपर के मतदाता, 52,51,079 18 से 21 साल के मतदाता, 20,04,056 कुल मतदाता केंद्र, 20,043 से पिंक बूथ, 75 दिव्यांगों द्वारा संचालित सभी मतदान केंद्र और छाया, पानी, व्हील चेयर, कुर्सी की व्यवस्था की गई है। 9 लोकसभा सीट में 5,744 अति संवेदनशील मतदान केंद्र, 800 हैं। पूरे प्रदेश में नाकों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। 1,433 FIR दर्ज हुई है। एनएसए के अंतर्गत 36 मामले में कार्यवाही हुई है। पिछली बार 2019 में इन सीटों पर जिन कल वोटिंग मुरैना में 61% वोटिंग हुई थी, सागर में 65.47%, भोपाल में 68%, राजगढ़ 74.31% मतदान हुआ था। चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद 280 करोड़ की सामग्री अब तक जब्त की गई, जिसमें नकदी के साथ साथ शराब, सोना, चांदी और मादक पदार्थ भी जब्त किए गए। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को, मतलब कल है अपने यहाँ। फर्स्ट टू फेजेस हो गए हैं जैसा आप जानते हैं, 19 तारीख को और 26 तारीख को पिछले महीने। कल 9 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल। आप जानते हैं कि बैतूल पहले सेकंड फेज में था, अब वो एक्सटेंड हुआ था, अब वो थर्ड फेज में। यदि हम जिले देखें तो ये जो 9 संसदीय क्षेत्र हैं इसमें 19 जिले शामिल हैं जहां ये चुनाव होना होगा। आज मतदान दल सभी जगहों से रवाना हो रहे हैं, काफ़ी जगहों पे ये काम, जैसा भी हरदा बात हुई, हरदा से 100% पार्टियां जा चुकी, भोपाल में करीब 95% पार्टियां रवाना हो चुकी। तो धीरे धीरे सभी जगह यही स्थिति है कि अधिकांश पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं, जो कुछ बची हैं वो जा रही हैं। डिस्पैच सेंटर पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था गर्मी के कारण हम लोगों ने सुनिश्चित की है कलेक्टर्स ने, और हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से आपको बताया भी है कि किस प्रकार से अधिकांश जगहों पे जहाँ पे वितरण केंद्र है वहाँ पे एक तरह से मिनी आईसीयू जैसी व्यवस्था करके, चाहे दतिया, ग्वालियर, सागर, कई जगह गुना, कई जगहों पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतलब चिकित्सक की व्यवस्था, और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तत्काल मेडिकल उपचार और मेडिकल सहायता मिल सके, उसकी अच्छी व्यवस्था की गई है। जो कैंडिडेट्स हैं थर्ड फेज में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संख्या 127 है। यदि हम पूरे 9 संसदीय क्षेत्र का टोटल करते हैं तो ये 127 है, जिसमें 118 पुरुष हैं और 9 महिलाएं। जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भोपाल में हैं इस चरण में, 22, और सबसे कम भिंड में हैं, 7। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, और सारी कार्रवाई जो मतदान से संबंधित होती है, मतदान प्रारंभ करने के पूर्व मॉक पोल की कार्रवाई पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, और मतदान का समय जो अंतिम समय होता है उसके पहले जो लोग मतदान केंद्र पे आ जाते हैं उनको पर्चियां दी जाती हैं, और सभी लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतदाताओं की कुल संख्या जो लोग ये थर्ड फेज में जो हमारे 9 संसदीय क्षेत्र हैं इनमें जो टोटल वोटर्स हैं,
जो मताधिकार का उपयोग करेंगे अपने अधिकार का, उनकी संख्या है 1,77,52,583, 1,77,52,583, 1,77,52,583। इसमें पुरुष मतदाता हैं 92,68,987, 9,268,987, और महिला मतदाता हैं 84,83,105, 8,483,105, 3rd gender 491। यदि हम श्रेणीवार देखते हैं तो जो दिव्यांग मतदाता हैं थर्ड फेज के लिए, उनकी संख्या है 1,66,431। जो 85 प्लस के मतदाता हैं, 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं, उनकी संख्या है 88,106। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि 85 साल से ऊपर के लोगों को यदि वो चाहें तो वो घर से वोट कर सकते हैं। 100 साल से ऊपर के मतदाता, 100 प्लस के मतदाता की संख्या है 1,804। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं इस फेज के लिए, जो लोग आर्मी में हैं, सेना में हैं, जिनको हम ETPBS भेजते हैं, उनकी संख्या है 36,778, 36,778। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं, उनकी संख्या है 5,25,179, 525179। जो टोटल मतदान केंद्र हैं थर्ड फेज के